मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को बड़ा झटका लगा है। मुइजू की अपने ही देश में जमकर किरकिरी हो गई है। राजधानी माले में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें मुइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो जो है अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है? डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट आदम अजीम हैज वन द मेयरल इलेक्शंस इन माले एंड इलेक्शन रिजल्ट्स आर बीइंग सीन एज अ मेजर सेटबैक फॉर द मालदीवियन प्रेसिडेंट। मैं समझता हूँ कि ये मालदीव की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज के शायद मालदीव समझ भी ना सके कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का। एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते। वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और मालदीव में इन दिनों तनातनी चल रही है। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत समर्थक विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने राजधानी माले के मेयर चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। एमडीपी उम्मीदवार एडम अजीम को माले का नया मेयर चुन लिया गया है। यह पद अभी तक मुइजू के पास था, लेकिन मुइजू ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था। मुइजू चीन की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद शनिवार को माले लौटे। उन्होंने मालदीव लौटते कहा कि हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। मुइजू ने कहा कि हम भले ही छोटा देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को भी हमें बुली करने का लाइसेंस नहीं मिलता। भारत के खिलाफ बयान देने के बाद मुइजू को बड़ा झटका लगा है। मोहम्मद मुइजू को यह बयान काफी भारी पड़ा है। मोहम्मद मुइजू की पार्टी माले के मेयर के चुनाव हार गई है और ये मालदीव राष्ट्रपति के लिए बड़ा झटका है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। डेवलपमेंट हुई थी और जब आई थिंक जो मालदीव के प्रेसिडेंट जो थे जब वो पहुंचे तो उन्होंने आके जो खिताब किया जो एयरपोर्ट पे थे आई थिंक समवेयर, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वो भारत से कम करेंगे। और उन्होंने भारत का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम ये बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी डिपेंडेंस भी कम करेंगे। मैं समझता हूँ कि मालदीव की जो लीडरशिप है वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे और उन्होंने जो उनके लोगों ने गलत किया उस पे बहुत सारे लोगों ने कहा अपोलोजाइज करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने इनको बहुत सारी एश्योरेंसेस दिलाई हैं। ये बगैर चाइना की एश्योरेंसेस के जो 5 दिन के लिए इन्होंने वो रह के आए वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम अपनी ड्रग्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली ये कहते हैं कि जनाब हमें तो परवाह ही कोई नहीं है और हम जो अपनी मर्जी करेंगे, करें ज़रूर अपनी मर्जी, आप जो उन्होंने कहा है कि जी हम उनकी मिलिट्री के लोग यहाँ से निकल जाएं तो निकल जाएं, ठीक है, आपका हक है, आप एक सॉवरन मुल्क हैं, लेकिन वो गलती करेंगे। शायद मालदीव्स ये समझता है कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है। सो रिमेंबर वन थिंग, मालदीव्स हैज़ बिकम अ सीरियस टॉपिक इन इंडिया। कल उन्होंने आए हैं तो एक छोटी सी डिस्कशन शुरू हो गई
ठीक है जी, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने जैसे ही वो चाइना से आए तो उन्होंने जो मीडिया से खिताब किया उस हवाले से, इसको इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, ठीक है जनाब। और जैसे ही आज का ये इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने लोग यहाँ से निकालें, तो इसको भी समझ जाएं कि ये एक तरफ से तो उनको ब्रीफ किया गया है कि वो जो वाक़या हुआ था जिसमें 3 जूनियर मालदीव्स के मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए, इट सीम्स लगता ये है कि समहाउ जो अश्योरेंसेस उनको चाइना से मिली हैं उन अश्योरेंसेस की वजह से ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स के अंदर हैं, ये कोई बहुत बड़े तो नहीं है लेकिन इंडिया के अंदर जारी बात है मालदीव्स भी तो छोटा सा है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी के और 2 एक हेलीकॉप्टर थे, इंडियंस कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर थे ये बेसिकली उनकी उनकी हेल्प के लिए थे क्योंकि वहाँ पे लोगों को मेडिकल की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज के शायद मालदीव समझ भी ना सके कि उनके साथ हो क्या रहा है। सो लगता ये है कि अगर जो इंडियन सरकार है वो आप देखें इंडिया के अंदर दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, 21 को आई थिंक 21 को वो राम मंदिर का अफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ करेंगे राइट नाउ जिससे डायरेक्शन या चीज हो। अच्छा, बिगनिंग में तो हमें लगा कि शायद जी जिना साहब ने पाकिस्तान बनाया और बिल्कुल अच्छा किया, और अभी जो हालात भी हम हिंदुस्तान में खास तौर पे देखते हैं, हम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है चलो वी हैव अवर ओन कंट्री, बट देयर इज अ वे टू रन द कंट्री राइट। हर किसी को अपने इंस्टीट्यूशन को अपनी जगह पे रहना पड़ेगा, बच्चों को स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को अपने ऑफिसेज में रह के पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर रहना पड़ेगा और मिलिट्री को बैरक्स में रहना पड़ेगा, मुल्ला जो है उसको मस्जिद में रहना पड़ेगा। इस वक्त आपके मुल्क में एक खिचड़ी बनी हुई है, ऊपर से जो आपके कुछ एम्बिशियस या जिसको हम कह सकते हैं ओवर एम्बिशियस जर्नैल जो हैं, वो आपकी इतनी पढ़ी लिखी जो आपकी कौम है उसको हंकने की कोशिश करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मतलब खुद आप खुद कह रहे हैं कि खुद नीम अनपढ़ जाहिल टाइप है, पढ़े लिखों को सबक सिखाने के चक्कर में है, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखें आप तो अब इसका आपने पूछा मुझे कि सलूशन क्या है, इसका सलूशन सर वो एक एक एक, एक बड़ा लतीफा आया था कि किसी ने कहा पाकिस्तान को कि भाई ये तुम कर लो, तो पाकिस्तानियों ने वो जो रिसर्चर थे उन्होंने कहा क्यों ये चाइना ने किया है, नहीं चाइना ने किया, अमेरिका ने किया है, नहीं फ्रांस ने किया है, नहीं, उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने किया तो हम कैसे करेंगे। अच्छा, आपको मुल्क चलाने के लिए ना ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है और वो उसका तरीका क्या है डेमोक्रेसी का, एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। स्लैब अच्छा, आई थिंक मुझे लगता है ये इलेक्शन हार गया कहीं माली में, इलेक्शन थे या कोई छोटा मोटा कुछ था, लेकिन एक स्टेटमेंट इसने बड़ी हैवी किस्म की दे दी, वो स्टेटमेंट ये दे दी कि भाई किसी को भी हक नहीं, स्पेशली इंडिया को हक नहीं हमें बुली करने का, सही बात की उसने, मतलब हमें कॉर्नर करने का या हमें धकेलने का। इंडिया कैसे धकेला आपको, इंडिया कैसे कॉर्नर किया आपको, कैसे आप क्या लगता है इंडिया कॉर्नर किया उसको या उसको धकेला, उसको प्रेशर डाला, क्या प्रेशर डाला इंडिया ने, क्या गलत किया इंडिया ने उसके साथ, इंडिया प्रेशर कैक्टस के थ्रू उसकी राजधानी बचाई थी ये बुरा किया था, इंडिया ने उनको पीने का पानी दिया ये बुरा किया था, इंडिया ने उनको एक एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने तक के लिए रोड बनाकर दिए, पुल बनाकर दिए, ये गलत किया था, इंडिया ने उनको मेडिसिन दी थी ये गलत किया था, इंडिया ने उनको कोरोना जो कोविड के दौरान उनको वैक्सीन दी थी ये गलत किया था, इंडिया ने उनको 1.4 बिलियन की एड दी थी ये गलत किया था, कितने आसान दिन हो इंडिया को, मालदीव को ये करने करना इसे कहते हैं, ये तो आसान कर मुश्किल बात है, बिल्कुल ठीक है भाई कि इंडिया ने वाकई उसकी बहुत मदद की है, प्रेशर कैक्टस मुश्किल वक्त में उसकी की है,
लेकिन इस बात पे मैं कहता हूं कि जो मालदीप है ये भी अपनी जगह पे इस वजह से ठीक है कि भाई उसको यार कैसे कैसे इंडिया की या कैसे यार भाई साबित करो कोई कोई कंट्री है उसको पे दूसरा कंट्री जो तनकीद करे या कोई उस पर जोर जबरदस्ती करे चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। पहले किसने की यार? पहले जिसने भी की है। मैं कह नहीं रहा जिसने भी की, मैं कह रहा हूँ पहले मालदीप ने की ठीक नहीं की। वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे मशहूर प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे मशहूर प्राइम मिनिस्टर अपने आईलैंड में गया तो उसको वो ट्रॉली करने शुरू कर दिए, उन्हें बकवास किया शुरू कर दी, फिर कहते हैं हमें इंडिया के मिनिस्टर का काम बकवास उन्होंने मिनिस्टर ने की है तो मिनिस्टर उन्होंने मुअत्तल कर दिए तो इस पर भी जो है वो मामला रफा दफा हो। इस पर आकर ये दोबारा स्टेटमेंट देने का इसका क्या हक बनता है? ये मोहम्मद मुईन भाई उनको पीछे से हुआ हुआ है पुश, आप भी समझते हैं किसने किया उनको। असल में मैं कहता हूं कि उनको बहुत ज्यादा लोया गरम है उसके ऊपर शी पिंग ने थोड़ा मार दिया है। थोड़ा नहीं मारा उसने तो, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बोलने बोलने उसने बोल दिया। हाँ ये भी है भाई, ये बंदा जो है ना इनका मालदीप कारनामा कैसे कर रहे हैं पूरा कंट्रोल में आया चाइना के। आप भी पहले कह रहे थे ना कि बुली कर दिया, मैं यार बुली कर दिया इस हवाले से कह रहा हूँ। कोई भी कंट्री जो होता है ना छोटा होता है ठीक है, ये इस कंट्री का मालदीप का कसूर है कि उसने इंडिया के जितने भी एहसान किए गए ना वो फरामोश कर दिए, भूल गए, ये बिल्कुल गलत किया। लेकिन कोई भी कंट्री है ना दूसरे कंट्री को उसके उंगली नहीं करनी चाहिए, किसने की उंगली खेलना नहीं चाहिए, किसने की ये तो बयान दे रहा है ना। हो सकता है उनके अंदर अंदरूनी कोई मामला हो जो जो कोई इंडिया के ऑफिशियल सिस्टम की स्टेटमेंट आई, जिस तरह की ये स्टेटमेंट आ रही इनकी, पहले स्टेटमेंट आई, ये स्टेटमेंट आई नहीं भाई दिलवाई गई है, ये दिलवाई मिनिस्टर से भी दिलवाई गई है। ये जो ट्रोप्स है ना फौज वहां से निकालने की कहा गया है, ये पीछे से पुश किया गया है। जिस तरह भी हुआ है ना जो भी गलत है सारा मतलब गलत काम हुआ है, लेकिन अब इंडिया को मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ कि चाहिए कि उसने वापस आ लेना चाहिए भाई। वो अब जो है ना चाइना के साथ मिल गए, चाइना उनके साथ जो करे, चाइना अच्छा किसी के साथ नहीं करता, वो देखने में अच्छा होता है, लेकिन हकीकत में और मैं कह रहा हूँ चाइना हकीकत में उस कंट्री को अंदर से खोखला कर रहा होता है, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान को उसने कर दिया, जिस तरह उसने दूसरे श्रीलंका को किया, बिल्कुल इसी तरह ही मालदीव को करेगा। लेकिन जो मालदीव का प्रेसिडेंट है उसको अभी मोहम्मद मुईज को समझ नहीं आएगा, उसको बाद में समझ आएगा कि चाइना ने मेरे साथ गेम क्या खेली है। लेकिन इंडिया को उसके मुकाबले देखें तो इंडिया भी उनके लिए अच्छा साबित हुआ है, उसने हर मरतबा उसकी मदद की है और जो है ना इंडिया को कोई उससे गर्ज नहीं थी। अगर चाहता तो जब इंडिया ने उनकी जो राजधानी जो माले है उससे जो हटवाया था वो उनके प्रेसिडेंट की जो है ना सेफ्टी के लिए अपना ऑपरेशन जो है ना ऑपरेशन किया था उसी वक्त उसी उस पर जो है ना कब्जा ये इंडियन आर्मी कर सकती थी, लेकिन उसने उन्होंने नहीं किया। वो अच्छे मतलब के फ्रेंड है इंडिया, जिस के साथ भी फ्रेंडशिप करता है भाई अच्छी करता है, और मैं कहता हूँ कि मोहम्मद मुईज ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इंडिया को ये धमकी भी दे दी कि 15 जो है ना मार्च तक अपनी जो है ना सारे जो भी है आर्मी है, आर्मी मेरे ख्याल से आर्मी का निकाल लो, बहुत हमारे मुल्क में आपका कोई ऑफिशियल नहीं होना चाहिए। चलें जी ये आपके मुकम्मल बायकॉट है, ये मतलब है अब इसका मजा भी चख लेगा मोहम्मद मुईज जो है, और उसने थोड़ा चखना कि अमेरिका कनाडा चला जाना वहां हमने घूमना है। हाँ जैसे हमारे हुक्मरान एस्टेब्लिशमेंट करके चली जाती बोलते कौन है, हम आवाज किसकी सुनते हैं, दूसरों कंट्रियों की हम सुनते हैं, इस तरह उनके साथ भी होना है। चलो जी मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।